इसके ऊपर क्यों मुकदमा किया? क्या आपकी तरफ से ये सोचा जा रहा है कि ये कार्रवाई गलत है? 100% गलत है, मेरी छवि को खराब करने के लिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा प्रयास किया गया। जब मैं उस पर नहीं झुका तो ये फिर मुझे जो सूचना मिली है, भगवान ने सत्यता क्या है कि DGP महोदय के यहाँ इसका फिर भेजा गया, तो जो दिखाई पड़ेगा अधिकारी वही मानेगा, तो लगा होगा कि बड़ा गंभीर विषय है, तो उस पर FIR लिख लिया गया। लेकिन इस FIR में लिखा जाने में कहीं ना कहीं मैं एक बात फिर बता दूँ, क्योंकि मैं सज्जन हूँ, सरल हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, तो एक बार अधिकारी ने भी कहीं ना कहीं मेरी सज्जनता को ओवरलुक किया। मैं 100 बार सोचते कि नहीं, ये विधायक का मामला है, मामला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेरी सज्जनता का कभी कभी लोग दुरुपयोग करते हैं, ये मुझे कहते हुए विषय मित्रों पूरा विषय इतना फिर मैं कह देता हूँ कि ये स्थिति अगर आपके दुकान और मकान में होती तो आपको भी कुछ ना कुछ अपने बचाव का प्रयास करना होता कि नहीं करना होता? उसमें फिर जात धर्म आप नहीं पूछोगे कि जात को भैया, अगर श्रीवास्तव जी हो तो बचा देंगे, तुमको नहीं मारेंगे, पंडित जी हो तो तुम्हारे पाँव पकड़ेंगे, जो भी अपराधी होगा, अपराधी को कोई जात धर्म और अराजक तत्व का नहीं होता है, तो उसमें फिर हमारा दोष नहीं है। बाकी आप सभी सम्मानित पत्रकार हो, निर्णय और फैसला आप लोग को देना है, हमारी कोई ऐसी उनका हमारे परिवार का कोई दोष हो, हमारे परिवार हमारे भतीजों बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं विधायक बना हूँ तब से हमारे भतीजों का व्यवसायिक ग्राफ डाउन हुआ होगा, इसलिए उनकी व्यस्तता हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में हो जाती है, बाकी सारे कार्यक्रमों में। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, उसके पहले सोनू के पास चौपहिया गाड़ी थी, आज भी उनके पास चौपहिया गाड़ी है, तो उनकी औकात ज़्यादा बढ़ गई हो, ज़्यादा कारोबार बढ़ गया हो, पूरे जिले में देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।